हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, वो भी एक चम्मच तेल में। जितना ज्यादा क्रिस्पी है, चटपटा है, उससे ज्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि ये कम तेल में बनने वाला है और गेहूं के आटे से बनने वाला है। और आप इस नाश्ते के सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कटोरी लिया है गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से छान के लिया। वेट नहीं, हमारा 250 ग्राम है, नाप में हमारा एक कटोरी है। और अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और नाश्ता आपको हजम भी जल्दी होता है। और अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच नमक। नमक आपको कम ही डालना है, क्योंकि आगे भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो बैलेंस के साथ नमक के साथ काम करेंगे डियर। अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हमने एक चम्मच लिया है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इस जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल मत लेना। अगर आपके पास घी हो तो घी जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और क्रिस्प भी आएगा। अब इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, तो चलिए गर्म कर लेते हैं, ठंडा नहीं डालना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ऐड कर देंगे हल्का सा गर्म करके। अपने नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें सिर्फ एक चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, तो चावल का आटा डालने से हमारा जो नाश्ता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांधनी है। अगर बांधने पर ये बिल्कुल अच्छे से बंद रहा है इस तरीके से, तो समझ जाइए आपका जो तेल है या घी है बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। अगर बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब हम लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, और यहाँ पे हम इसका मीडियम डो लगाएंगे। ना बहुत ज़रा टाइट आटा लगाना है ना बहुत ज़रा सॉफ्ट, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हैं। मैंने इसका आटा लगा लिया। इतना आटा लगाने मुझे एक गिलास पानी में सिर्फ आधा गिलास पानी इस्तेमाल हुआ है, आधा गिलास पानी हमारा बच गया है। अब इस आटे को हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंदना नहीं, हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा हमारा फूल जाए, और 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो जब तक ये रेस्ट पे, तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। इसे साइड में रख देंगे कवर करके। डियर पैन गर्म हो गया, इसमें एक चम्मच हम मूंगफली डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जो हमने बिना भिगाए लिया है। दाल को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया, मूंगफली को भी पोंछ लिया है। अब दोनों चीज़ों को हम धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि इस पर बिल्कुल हल्की हल्की सी चिट्टी आ जाए। काला नहीं करना है, इसीलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया। अब यहाँ पर हमने 1 इंच का अदरक लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करने के बाद छील लिया है, और उसका छिलका निकालने के बाद ही ऐड करना है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। और अब इसमें हम 1 ग्रीन चिली डालेंगे, जो इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। ग्रीन चिली अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारी चीज़ों को वापस से 10 से 15 सेकेंड भूनेंगे, लो फ्लेम पर, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा। जीरा आपको लास्ट में इसलिए ऐड करना है क्योंकि जीरा बहुत ही जल्दी भुन जाता है, अगर आप पहले भून देंगे तो ये काला हो जाएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी। अब इसको निकाल कर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए पैन में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, और जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा इसमें 1 चुटकी हम डालेंगे हींग, और इसी के साथ हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ता, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास मीठी नीम या कड़ी पत्ता ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पे धनिया डाल सकते हैं, हरा वाला, या पुदीना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे, यानी अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पे जब बिल्कुल अच्छा सा कलर आने लगेगा, बिल्कुल लाइट सा पिंक सा, तब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब 1 इंच के अदरक को लिया था, इस तरह से दरदरा कट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो ग्रीन चिली और अदरक को पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी 10 से 15 सेकंड वापस से हमने कुक कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर, जो लाल होना चाहिए, ना इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाला है, और इस तरीके से हमने इसको लंबा लंबा कट कर लिया है। तो टमाटर डालने से हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा होने के साथ साथ जूसी बनेगा। अब इसके अंदर डालेंगे नमक, ताकि टमाटर हमारे गल जाए।
तो ये गया हमारा हाफ टी स्पून तक नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब टमाटर को हम हल्का सा सॉफ्ट होने का वेट करेंगे और धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक कुक होने देंगे इसे। तो फ्रेंड देखिए, 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून तक। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। अब इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून तक, और सारे मसालों को अच्छे से 10 से 15 सेकंड भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद इस तरीके से मैश कर लिया ठंडा करके। तो मैश या ग्रेट जो भी आप करना है आलू को कर सकते हैं, लेकिन गर्म आलू का इस्तेमाल मत करना। आलू को ठंडा करने के बाद मैश या ग्रेट जो करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आलू को अच्छे से भूनेंगे 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पर, ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं और हमारा आलू भी जितना मॉइस्चर था वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया है इसका। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला जो हम 1/4 चम्मच डाल रहे हैं, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। गरम मसाला लास्ट में डालना है और लास्ट में आपको डालना है धनिया। तो यहाँ पे धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद पैन के नीचे रख देना, जब इसका सारा पानी खत्म हो जाए तब कट करके डालना। तो यहाँ पे मसाला जो गर्म है और हरा धनिया सबसे लास्ट में जाएगा, और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 सेकंड पकाएंगे। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इस समय ऐड कर सकते हैं, बाद में आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो चख लिया है, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही चटपटेदार और मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और आगे काम करेंगे। देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई। जब तक ठंडी ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे आपको बताते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, ज़्यादा हींग नहीं डालना, सिर्फ 1 चुटकी डालना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा साबुत वाला। तो पहले जो जीरा हमने डाला था वो भून के डाला है, इस बार हम कच्चा जीरा डालेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है, आप ज़रूर डालना। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल को नहीं निकालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच खट्टी छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप 2 चम्मच दही को 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर छाछ बना सकते हैं पतला सा। अगर आपके पास दही और छाछ दोनों ना हो तो आप 1 नींबू का रस या फिर टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे और इसको हम बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए इस तरीके से आपको भी इसे पीस लेना है। ज़्यादा दही या छाछ इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ 3 से 4 चम्मच काफ़ी है जितने से ये पीस जाए। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे जो चटनी का टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लुक भी बहुत प्यारा हो जाएगा और चटनी को आप 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो तड़का पैन भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, और जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे सरसों 1/4 चम्मच तक, ज़्यादा नहीं डालना है, ये देखिए। और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया जिस तरीके से हमने कट कर लिया ये डाल देंगे, और थोड़ी सी हम चुटकी भर हींग डाल देंगे, और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से चटका लेंगे, यानी सारी चीज़ों को। और यहाँ पे हमें इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, अगर आप जला देंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। अब चलिए फटाफट तड़के को ऐड करते हैं चटनी के अंदर। तो ये गया हमारा गर्मा गर्म तड़का चटनी के अंदर, ये देखिए। इस तरीके से जब आप तड़का ऐड करेंगे तो छन्न से आवाज़ आती है, इसी से पता चलता है कि आपका जो तड़का है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। और तड़का लगने के बाद जो चटनी का टेक्सचर है वो भी अलग लेवल का हो जाता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और लुक भी बहुत प्यारा आ जाता है। और चटनी को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, ये अपने आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया। अब इसको हम इस तरीके से हल्का सा मस लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। अब इस तरह से हम काउंटर पर रखेंगे और थम का जो ये वाला भाग होता है इसका इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ करेंगे और पीछे लेके आएंगे। ऐसा हम 3 से 4 बार करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो डो है इसमें जो भी एयर है वो निकल जाएगी और हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी लंबा समय तक बना रहेगा। ये देखिए अब इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां निकालेंगे नींबू के आकार की। ये देखिए इस तरीके से, तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 लोइयां बना ली है। अब 4 को हम रख देंगे उसके अंदर ताकि ये सूखे ना कवर करके। और अब इसके बाद एक के साथ हम काम करेंगे। इसको हम इस तरीके से हथेलियों पे 10 से 15 सेकंड मस लेंगे और फिर इस तरह से फ्लैट करते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे सूखा आटा। जो मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ इससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी लगा सकते हैं। और अब इसे हम रोटी की तरह, जैसे चपाती होती है उसी तरह इसको बेलेंगे। बस ख्याल ये रखना है कि कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एक बराबर बेलना है और रोटी के इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए स्टफिंग जो थी हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे और आप जितना चाहें इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 चम्मच तक भर के फिल करूँगी जिससे हमें खाने में मज़ा आएगा। और इसको हमें बीच में बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम पानी लेंगे और इसके हम चारों तरफ पानी अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है डियर। तो यहाँ पे मैं फिंगर की सहायता से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से चुन्नन बनाते हुए इसको अच्छे से लॉक करेंगे। ये देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा इसको हम निकाल लेंगे। तो जब आप पानी लगा देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए, और इस तरीके से हम इसको बीच में बिल्कुल एडजस्ट करते हुए चारों तरफ से इस तरह से मारेंगे ताकि जो स्टफिंग है बिल्कुल बराबर हो जाए हर तरफ। ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा रहे और कहीं कम रहे। इस तरीके से रेडी हो गया। तो चलिए बाकी भी रेडी कर लेते हैं फटाफट, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। आप इसे बना के इस तरह से फ्रिज में भी लगा सकते हैं, हवाबंद डिब्बे में, जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसे डीप फ्राई, सलो फ्राई जो करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो तावा भी ले सकते हैं या फिर जो भी बर्तन चाहे ले सकते हैं। थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब देखिए हमने तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है, सिर्फ 1/2 चम्मच तेल है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा हम इस पर कसूरी मेथी डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा हमारे नाश्ते को। अब इस तरीके से हम इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर टच करते हुए यानी घुमाते हुए लगा देंगे अपने नाश्ते को। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ही लगाया है, बाकी मैं बाद में लगाऊंगी। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप 4 से 5 एक साथ बना सकते हैं। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे, उससे पहले आपको इसे टच नहीं करना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। अब चलिए इसको टर्न कर, तो इस तरीके से मैंने टर्न कर लिया है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब दूसरे साइड भी इसे 2 मिनट पकाएंगे और इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, चलिए दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से डन हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हम दोबारा बनाने के लिए तेल को फिर से गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले वाला बनाया था। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, अभी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बना है और सारे ही हमारे देखिए इसी तरीके से क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। और अंदर से स्टफिंग दिखा देते हैं कितनी ज़्यादा बराबर फिल है। ये देखिए, और इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं या फिर चाय के साथ या फिर मोमोज वाली चटनी के साथ। किसी के साथ भी खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी है, जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है खाने में से ज़्यादा टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा जल रही है अभी।
तो जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी और क्रिस्पी और कुरकुरी होती जाएगी, आप इस रेसिपी को बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मन हो आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इंजॉय करने। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, दिल खोल के बहुत ही कम तेल की। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।